आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर की बहुत ही लाजवाब सब्जी। ये बहुत ही कम मसाला में बन जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं 4 आलू ली हैं जिसे मैं उबाल लिए हैं और इसे हम अच्छे तरह से छील लिए हैं, और ये बारीक 2 प्याज काट लिए हैं, और ये 10 से 12 लहसुन की कलियाँ है, और ये मेरा 250 ग्राम मटर है तो इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं फ्रेंड्स, और ये 2 टमाटर है जिसे हम बारीक काटेंगे, और ये 2 अदरक है और 3 हरी मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 3 सूखी मिर्च है और 1 तेज़पत्ता है। इसे हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। सभी को एक मिक्सर जार में डाल देंगे और तेज़पत्ता को भी इसी में हम तोड़कर डाल देंगे। तेज़पत्ता पीस के डालने से फ्रेंड्स बहुत ही ये शानदार बनता है, और हरी मिर्च को, अदरक को भी काट कर इसमें डाल देंगे, और टमाटर को सभी को काट कर और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इधर हम एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल दिए और ये 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल दिए फ्रेंड्स। इसमें हम बहुत ही कम मसाला से इसे बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम चटकने देंगे। मेरा जीरा अच्छी तरह चटक जाना चाहिए। अब उसके बाद हम ये जो कटा हुआ बारीक प्याज रखे थे उसे हम सभी को डाल देंगे और इसे हल्का सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, और इसमें हम चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे फ्राई करेंगे, और इसे अभी ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। हम इस समय नमक इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरा प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम नमक इसी समय सभी मसाले का डाल दिए हैं सब्जी के लिए, और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे सुनहरा होने तक से फ्राई करेंगे। देखिए ये कलर चेंज हो गया। अब ये जो टमाटर और मसाले का पेस्ट था उसे हम डाल देंगे, और फ्लेम को हम कम कर दिए हैं, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे चारों तरफ से। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मेरा एक साथ भुना जाएगा। इसमें हम इसे हम अच्छी तरह से भुनना है फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसके बाद हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए और 1 चम्मच से कम ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए कि मेरा सब्जी का कलर और ही देखने में अच्छी लगेगी, और इसे ढककर हमें 5 मिनट भुनना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया और ये सब्जी तेल मसाला तेल ऊपर आ गया, तो इसे हम अच्छी तरह से और 2 मिनट भुनेंगे, और फ्लेम को कम करके हम इसे 2 मिनट और भुनेंगे, और उसके बाद हम जो मटर धो के रखे थे उसको हम डाल देंगे, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मटर को पकने तक हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से। मसाला में हम इसे 5 मिनट भून लेंगे, और उसके बाद हम आलू उबाल करके रखे हैं उसे हम बाद में डालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसे हम ढककर और 5 मिनट इसे कम फ्लेम पे पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट मेरा हो गया। अब इसे हम ढक्कन को हटाकर इसे अच्छी तरह से चला देंगे कि मसाला मेरा अंदर सटे नहीं फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से भुनना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे भुनिएगा तो मसाला जल जाएगा, तो आपका ये अच्छी नहीं बनेगी। और आलू को हम इस तरह से हाथ से अपना तोड़कर डालेंगे। इस तरह तोड़ के डाल के बनाने से सब्जी एकदम बाजार जैसी, होटल जैसी लगती है। देखिए ये आप भी इसी तरह तोड़ कर ही बनाइए, और सभी आलू को इसी तरह हम हल्का हल्का तोड़ देंगे, और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसे हम बाद में छलनी से तोड़ लेंगे। तो देखिए हम सभी आलू को तोड़कर डाल दिए और इसे अच्छी तरह से हम 2 मिनट भुनेंगे, और जो मेरा बड़ा बड़ा आलू है उसे हम छलनी से भी तोड़ देंगे। इसमें कुछ बड़ा और कुछ छोटा ही रहता है, तो ये बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और इस तरह आलू तोड़ के बनाने से फ्रेंड्स थोड़ा आलू भी उसमें मैश हो जाता है और सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो देखिए ये 2 मिनट हम ढक कर पकाएं, और इसे अब हम अच्छी तरह से और 2 मिनट भुनेंगे खुला में ही। देखिए अच्छी तरह से मेरा भुना गया है, और जो जो बड़ा है आलू उसे हम छन्नी से देखिए तोड़ रहे हैं। तो मेरा मटर अच्छी तरह से सिंच गया है, पक गया है, और अब इसे हम देखिए एकदम कढ़ाई से तेल अलग हो गया है और अच्छी तरह से मसाला आलू मटर भुना गया है। तो अब इसमें हम ज़्यादा इसे नहीं भुनेंगे। देखिए ये कम सामान में और ये इतनी जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स कि आप कोई जल्दी में है और कोई आ गया तो आप इसे बनाकर खिलाइए। देखिए अब 1 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही पड़ता है और ये बाद में थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम अपना ग्रेवी के मुताबिक 1 गिलास पानी डाले हैं। आप अपना अनुसार पानी डालिए और इसे ढककर हमें 10 मिनट के
मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो 10 मिनट मेरा हो गया और देखिए मेरा अच्छी तरह से मसाला खोल रहा है और सभी अच्छी तरह से मिल गया है। तो देखिए अब इसमें हम अच्छी तरह चलाकर इसे हम एक चम्मच इसमें शुद्ध घी डाल देंगे। शुद्ध घी डालने से सब्जी का कलर और स्वाद और ही अच्छी बढ़ जाती है, तो इसका दुगना हो जाएगा। अब इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और उसमें हम धनिया के पत्ती को डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया का पत्ता बचा लेंगे गार्निश करने के लिए और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। सीजन अभी तो मटर का सीजन है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बनाइए और धनिया का पत्ता आप जितना मर्जी उतना डालिए, इसे और ही अच्छी लगती है। अब इसे हम गैस ऑफ कर 5 मिनट इसे हम इसी में छोड़ देंगे। सब्जी जब ठंडा होगा तब इसका कलर देखने में और ही खूबसूरत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब मेरी सब्जी ठंडी हो गई है और इसे अब हम सर्व करने के लिए मेरा रेडी है। तो हम इसे एक बोल में निकालेंगे। देखिए सब्जी का कलर ही देखकर आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि सब्जी मेरी कितनी लाजवाब बनी है। तो देखिए अब इसे हम एक बोल में सर्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आप इसे इसी तरह से निकाल लीजिए। देखिए ये कितनी ही अच्छी बनी है, कम मसाला में ही लगती है कितनी मसाला डाली हुई है इसमें। और ये देखिए इसे हम धनिया के पत्ती से सजा देंगे, इसे सजा देने से और ही सब्जी का देखने में खूबसूरत लगती है। तो आप इसी तरह सजा दीजिए और इसे देखिए ये कितनी ही लाजवाब बनी है। आप इसे रोटी पराठा चावल के साथ कभी भी बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।